हेलो दोस्तों, वेलकम टू अग्गी अर्थमेटिक्स। आज के टॉपिक में हम समझेंगे 6 थ्री पिन सॉकेट और 6 स्विच का यूज़ करते हुए और एक फ्यूज़ का यूज़ करते हुए कैसे स्विच बोर्ड को बनाया जा सकता है। जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, थ्री पिन सॉकेट, इंडिकेटर, स्विच कहाँ पर क्या क्या कनेक्ट है। आइए वीडियो के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अब हम समझ लेते हैं कि ये सर्किट कैसे बनता है। तो देखिए, इसमें क्या यूज़ करेगा, एक इंडिकेटर, बाकी थ्री पिन सॉकेट और प्लग, थ्री पिन सॉकेट प्लग, इन सबको कनेक्ट करके हमें एक सिस्टम बनाना है जिसमें इंडिकेटर। अब आप बताइए कि आपका जो मेन फेज आ रहा है, तो आप सबसे पहले सॉकेट प्लग में देंगे या फिर इंडिकेटर में? आप सबसे पहले इंडिकेटर में देंगे ताकि लाइट जो आ रही है वो हमें पता चल सके कि लाइट आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर आपने क्या करा, सबसे पहले आपने क्या करा, यहाँ पर जो थ्री पिन जो इंडिकेटर का नीचे वाला क्या होता है, वो लोड का होता है और ऊपर वाला न्यूट्रल का होता है, यानी कि फेस और न्यूट्रल। तो इसमें देखिए जो ये है, तो यहाँ से हमें लोड देना पड़ेगा, तो यहाँ से लोड दिया। अब देखिए, यहाँ से लोड पैरेलल के द्वारा हमने किस में दिया, स्विच में, यहाँ से पैरेलल के द्वारा स्विच में, यहाँ से पैरेलल स्विच में, सब पैरेलल करके स्विच में दे दिया। अब स्विच से क्या होगा, स्विच से सॉकेट को देंगे हम सीरीज कनेक्शन, और जो कि लेफ्ट में होता है सबके, लेफ्ट 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 लेफ्ट, तो सब में लोड दे देंगे। तो ये सीरीज कनेक्शन हो गया और ये सब पैरेलल कनेक्शन हो गए। तो फिर हमें न्यूट्रल देना होगा। अब न्यूट्रल के लिए देखिए, इसके न्यूट्रल को इसमें न्यूट्रल कनेक्ट किया, इसके न्यूट्रल को इससे कनेक्ट किया। अब इस न्यूट्रल को हम यहाँ से ले गए, ये इंडिकेटर से ले गए दूसरे वाले में, फिर यहाँ से न्यूट्रल कनेक्ट किया, यहाँ से न्यूट्रल कनेक्ट किया। अब हमें क्या करना है, जो मेन फेस की तार आएगी, अब मेन फेस की तार आप चाहे यहाँ दीजिए, चाहे यहाँ दीजिए, चाहे यहाँ दीजिए, चाहे यहाँ दीजिए, कहीं भी दीजिए, इक्वल वोल्टेज सब जगह जाएगी। तो हमने क्या करा, यहीं से पकड़ लिया, यहीं से मेन फेस दे दिया और यहाँ पर न्यूट्रल आ गया और इसको आगे प्लग से कनेक्ट कर दिया। तो ये तो डायग्राम हो गया कि कैसे करके हम समझें। अब देखिए, इसको वैसे करके समझ लेके रेजिस्टेंस कैसे होगा। तो देखिए, जो पहले इंडिकेटर है, ठीक है, तो सबसे पहले इंडिकेटर को यहाँ कनेक्ट कर दिया, ये इंडिकेटर, इंडिकेटर में एक वायर कौन सी आ रही है, मेन फेज वाली आ रही है, आ गई। दूसरी वायर कहाँ जा रही है, न्यूट्रल वाली, ये जो न्यूट्रल है, ठीक है। अब देखिए, अब ये सब, ये देखिए, इंडिकेटर का पहला सिरा स्विच के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है, इंडिकेटर का पहला सिरा दूसरे स्विच के पहले से जुड़ा हुआ है, यानी कि सब क्या है, पैरेलल में कनेक्ट है, सबके पहला पॉइंट पहले पॉइंट से कनेक्ट है। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो, पहले इंडिकेटर कर दिया, उसके बाद स्विच कर दिया, स्विच कर दिया, स्विच कर दिया, ये तीन स्विच हो गए, ठीक है। इसके बाद ये नीचे के तीन, एक दो तीन यहाँ के स्विच हो गए, ठीक है। अब देखिए, इन स्विच से, स्विच का दूसरा जो पॉइंट है वो थ्री पिन सॉकेट के पहले पॉइंट से कनेक्ट है। तो देखिए, स्विच ये था, स्विच का दूसरा सिरा जो है ये स्विच के, ये थ्री पिन सॉकेट के पहले से कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके कनेक्ट हो गया। तो फिर क्या होगा, देखिए, स्विच का जो दूसरा पॉइंट है वो थ्री पिन सॉकेट के पहले पॉइंट से कनेक्ट है, ठीक है। ऐसे करके देखिए, ये इन तीनों का देखिए ये बना दिया, ये क्योंकि इनके सबके क्या हैं, जो दूसरा पॉइंट है वो पहले पॉइंट से कनेक्ट है थ्री पिन सॉकेट के। तो ये देखिए, दूसरा पॉइंट थ्री पिन पे, ये सब, तो ये देखिए सब सेम है, तो सब सेम करके ऐसे कर दिया और पैरेलल हो गए सब, ठीक है, पैरेलल हो गए। और इन सब के देखिए, थ्री पिन सॉकेट है तो इसका न्यूट्रल होगा, इसका न्यूट्रल होगा, इसका न्यूट्रल, 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 और इंडिकेटर का न्यूट्रल, ये सब कनेक्ट करके आगे न्यूट्रल वाली तार से जुड़ के इधर आ गए और ये आगे वाला मेन फेज से गया। यानी कि अगर यहाँ से वोल्टेज जाती है, मान लीजिए यहाँ से अगर 10 की वोल्टेज जाती है, तो 10 की वोल्टेज यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी, यहाँ सब जगह 10 10 10 10 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। और सबसे पहले देखिए, यहाँ जा रही है, सब जगह जा रही है, और जैसे ही यहाँ जाएगी तो इंडिकेटर ग्लो करने लग जाएगा और हमें पता चल जाएगा लाइट है या नहीं है, ठीक है। तो कितना सिंपल था ये सर्किट। थैंक यू। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।